स्पीड में कहाँ थे, आराम से ही थे। इतना सोलो में अति हो गया। अरे हैंडल लॉक हो गया जी अपने आप। हाँ अरे थैंक यू भाई। चलो चलो अभी चलो देखो भाई हमारे हजारीबाग में भी बहुत सारे फैंस हैं। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज हम हैं अभी हजारीबाग में एंड ये वाला रोड आपको याद होगा तो पिछले वीडियो में, पिछले नहीं मतलब पहले हम हजारीबाग आए थे तो ये वाला रोड दिखाए थे। कहीं से भी कोई से कोई भी निकल जाता है। मैं अभी जा रहा हूँ रांची और ये अभिषेक लक्स स्क्वाड वाला टी शर्ट पहन के। अरे अबे साले हेलमेट नहीं पहना पता नहीं क्यों ये। भाई पता है क्या हुआ, इधर तो रोड साफ है, पीछे जो हम गली होके आए ना भाई इतना भयंकर था ना, मतलब पूरा कादो कीचड़ सब सब मेरे गाड़ी पे। और सुबह सुबह हमने गाड़ी वॉश किया था घर पे ही, अभिषेक के घर पे ही, और उस टाइम पूरा क्लीन हो गया था। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे गंदा हो जाएगा, पर जैसे ही गली से निकले भाई वैसे पूरा गाड़ी बर्बाद। मैं दिखाऊंगा ना आप लोगों को। चलो आगे, अभी फ्यूल अप भी करना है, एकदम दो सेल बाकी है लास्ट। गर्मी हल्के में लग रही है फिर भी ज़्यादा नहीं है। और ये है यहाँ का कॉलेज और ये हमारे भाई लोग। भाई मैं वॉश करके निकला, फिर से अभी गाड़ी धुलवाना पड़ेगा पैसे देके, और मुझे भाई गंदा अपना गाड़ी को देखना पसंद नहीं। टायर को साफ करना है तो वही बोले पानी मारना है बस। चलो भाई हम पहुंच गए हैं गाड़ी धुलवाने वाले जगह एंड गाड़ी का एक बार हालत दिखा देते हैं। रुको ना यार, ये बारला का गाड़ी अभी भी मुश्किल से स्टार्ट हुआ ढकेल के, प्रॉब्लम अभी भी आ रहा है। देखो भाई गाड़ी का हाल देखो, पूरा टायर एकदम साफ चिकना होकर निकला था, अभी देखो क्या हाल हो गया। कैसे दिख रहा? खेत से निकला है तो लग रहा है, हवा है, एक बार चेक करा लेंगे। हाँ 10 मिनट में आते? नहीं बे वैसे नहीं जाएंगे, आराम से जाएंगे, ओनली 200 200-300 बस। अच्छा 300 नहीं जाएगा। देखो गाड़ी का हालत देखो भाई, मुझे तो ठीक ही नहीं लग रहा कहीं से भी, ऊपर ऊपर कहीं कहीं क्लीन लग रहा है बट इधर भी पता नहीं कैसे गंदा हो गया, मुझे नहीं पता चल रहा। सो गाइस चलो वॉश हो गया है बाइक। ढकेलो यार बारला का गाड़ी फिर से प्रॉब्लम। अगर आप बाइक रख रहे हो तो उसको केयर करो भाई, ऐसे बस गाड़ी खरीद के रखने से नहीं चलता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। स्टार्ट हो गया बाइक, फुल कर दीजिए। बड़ा हरामी हो बेटा, ये नहीं निकलता, ये आ जाए, ये नया आदमी है। चल ढकेल रहे हमने तो। अरे भाई इसका गाड़ी कैसे होगा बारला ऐसे में, भाई मैं रहता तो अभी के अभी बनवा लेता ये प्रॉब्लम। सो गाइस हम लोग पहुंच गए हाईवे रांची टू हजारीबाग। तेरा गाड़ी बंद होगा किसी ढकलवा हम 200 में ढकलवाएंगे इसको अभी। फिर मिलते हैं ठीक है। वीली से स्टार्टिंग, खाली रोड देख के
अभी फुल टैंक दिखा रहा है भाई, दिस इज पीस। इन सब एरिया पे तो आराम से ही जाएंगे, क्योंकि कहीं से भी लोग निकल जाते हैं, मुझे ही डर लग जाता है यार। वाओ गाइस, क्या मौसम है, एकदम मौसम बहुत सुहाना है। बाला कहाँ रह गया, ये रहा पीछे, मिरर पे देखते रहता हूँ मैं इसे। तो ये मेरे साथ नहीं जा रहा, ये आधा दूर जाएगा यहाँ से रामगढ़, एंड उसके बाद मैं वहाँ से मैं अकेले जाऊँगा रांची। तो मज़ा आने वाला है गाइस, मौसम देख के मज़ा आ रहा है। आहा, क्या क्लियर नज़ारा है, एकदम मस्त। ये गाय बैल से ध्यान से रहना भाई, ये लोग कभी भी निकल जाते। ये रहा स्ट्रेच वाला रोड एकदम, कम ऑन बारला। मोटा भालू साला। नहीं हैंडल छोड़ के उठा दे क्या बिल्ली ऐसे। रोड मस्त है भाई यहाँ पर स्ट्रेच लेने के लिए, यहाँ पर 200 आराम से निकलेगा। मेरे थोड़े से गंदे हैं बट कोई नहीं, व्यू प्रॉपर आ रही है, मुझे गंदा नहीं पसंद भाई, और मेरी बाइक गंदी और नहीं पसंद। अभी धुलाया फिर मुझे लग रहा हुआ इधर गंदा हो गया, शिट मैन। अरे अबे हैंडल लॉक हो गया था, आगे कर। स्पीड में कहाँ थे, आराम से ही थे, हैंडल लॉक हो गया था, इतना सोलो में अति हो गया। अरे हैंडल लॉक हो गया जी अपने आप, हैंडल लॉक। हाँ अरे ऐसे कर, मुड़ ही नहीं रहा है। गाड़ी भी नहीं आया थे, हम इधर हो गए सीधे कर दिया। नहीं आराम से ही थे, ये हैंडल लॉक हो गया, स्पीड में नहीं चलना चाहिए। स्पीड नहीं थे अंकल, यहाँ पर देख रहे ना, यहाँ पर भीड़ है। हाँ हम इधर काट दिए हैं। ओ सोकर लीक हो गया, कुछ नहीं हुआ, चलो। ओ भाई हो गया अंकल, ठीक है, अपने आप लॉक कैसे हो गया। हाँ चलो हो गया, हो जाएगा। अरे भाई भाई, अगर ये मैं स्पीड में होता तो क्या हाल होता, ये अपने आप कैसे लॉक हो गया यार। हम धीरे किए ना, हैंडल अपने आप लॉक हो गया, ऐसे ऐसे करें नहीं हो रहा है, पता नहीं यार। अबे आराम से ही थे, हम स्पीड में रहते तो। हाँ हम भी आराम से ही आ रहे हैं, आज ही होना था यार ऐसा यार, उस टाइम रिकॉर्ड नहीं हो पाया, लेकिन लिटरली सही बता रहा हूँ मैं, एकदम जैसे जर्किन पहुँचा ना मैं एकदम आराम से था, एंड उसके बाद फिर ब्रेक मारा, फिर उसके बाद ऐसे लेफ्ट होने के लिए गया, तो उसके बाद हैंडल काम ही नहीं कर रहा, एकदम स्टक हो गया भाई, मुझे पता नहीं कैसे ये हुआ। तो एक बार हम लोग चेक कर रहे हैं रुक के क्या क्या हुआ, ये वाला लीवर गार्ड था यहाँ का, ये तो टूट के निकल गया, पता नहीं कहाँ हो गया, ये हल्का सा बेंड हो गया है, एंड स्क्रैचेस आए हैं इस पे, देखो ये फ्रेम स्लाइडर ही है ये ट्रायम्फ के, तो ये इस पे भी लगा है, इस पे लगा, और वो पीछे वाला टूट गया, ये वाला स्पूल, आगे का कुछ नहीं हुआ। हाँ दिक्कत है रे भाई, इससे बनवाना पड़ेगा अभी, चलो भाई अगले बार ऐसा ना हो, ठीक है फिर। चलो बारह निकल रहा है यहाँ से, इधर रामगढ़ जाएगा।
अरे भाई देखो स्कूल के बच्चे पहचान रहे। तो गाइस मैं पहुंच गया हूँ रांची और देखो अनएक्सपेक्टेडली सुनील और पीछे काटिया मिल गया। क्या हो गया पता नहीं इतना जैम क्यों है। क्या हो गया?